अधिकारी दिवंगत प्रियंका बिश्नोई के निधन से जुड़ा ये प्रकरण है। प्रकरण की जांच के लिए गठित कमेटी के सामने भी मौत पहेली बनी हुई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की टीम जोधपुर में जांच के बाद लौटी है जयपुर। हालांकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर आर के पुनिया, अनु भंडारी के स्तर पर तैयार की जा रही है प्राथमिक रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक चिकित्सकों के लिए भी मौत का कारण तलाशना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि संबंधित अस्पताल का रिकॉर्ड और मरीज की कंडीशन नहीं कर रही है मैच। अहमदाबाद के अस्पताल का रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट भी नहीं मिली है। ऐसे में अब इसकी निगाह हाई लेवल कमेटी की तरफ से पेश होने वाली रिपोर्ट कमेटी पर टिकी हुई है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, पूरे अब रिपोर्ट की बात कहें तो वो सामने आएगी, तब और भी ज्यादा बात समझ में आएगी, लेकिन पहेली अभी बनी हुई है प्रियंका बिश्नोई की मौत, उनका निधन, लेकिन अब रिपोर्ट किस तरीके से तैयार होगी, क्योंकि कुछ तो यहाँ पर साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल, दिवंगत आरएएस अधिकारी है प्रियंका बिश्नोई, उनकी जो निधन हुआ है उस निधन के मामले में अभी तक भी जो स्थितियां हैं वो क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर क्यों इलाज के अंदर क्या कहीं लापरवाही बरती गई। क्योंकि जिस तरह से कमेटी ने अपनी जांच की है, ऐसे में से तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम और दो एम्स के डॉक्टरों की टीम जो है उसने विस्तृत वहां पे जांच करी है। दोनों ही टीमों की जो जांच रिपोर्ट है उसमें आपस में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। हालांकि अभी भी जो टीम है वो काम करके वहां से जांच करके लौट के आ गई है और संभवतः कल शाम तक की टीम अपनी रिपोर्ट जो है वो हाई लेवल प्रशासन को दे देगी। लेकिन जो अभी तक सवाल सामने आ रहा है वो इस बात को लेकर आ रहा है कि जो टीम गई है जांच करने है, उसको जो अस्पताल का रिकॉर्ड है वो और मरीज की जो कंडीशन थी उन दोनों में काफी वेरिएशन नजर आ रहा है। साथ में अभी तक भी अहमदाबाद के जो अस्पताल की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी टीम को उपलब्ध नहीं हो पाई है। वही उसके साथ ही पोस्टमार्टम की जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी टीम को उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अब टीम क्या अपनी रिपोर्ट करती है और उस रिपोर्ट के अंदर किस तरह की चीजें देखती है आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया कुछ न कुछ लापरवाही बात जरूर सामने आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोई ना कोई लापरवाही तो सामने आ रही है, जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो फिर इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी, और इसलिए इंतजार रिपोर्ट का ही करना पड़ेगा। हर खबर सबसे पहले पहुँचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर।